हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे केमिस्ट्री। हमने लास्ट लेक्चर में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर की। ये वीडियो खासतौर पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है बेसिक कंसेप्ट्स को समझने में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन को। कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड एक आपका प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। आप ये बोलिए कि जैसे आप अपने मतलब आपकी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल उठाइए, जैसे वाटर है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट हमें पता है कि जो वाटर है वो किन दो एलिमेंट से कंबाइन होके बना है। हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब आप ये देखिए इसमें इसका जो प्रपोर्शन है बाय वेट वो क्या होगा। That means, यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी एक फिक्स रेशो में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं और तभी जाके हमारा वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है या वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो हम सबसे पहले इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको समझते हैं। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। आपका जो कंपाउंड होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, आपके दो एलिमेंट भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंबाइन टूगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, और वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं, एक फिक्स रेशो में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। दैट मीन्स उनका जो हिस्सा होगा उस कंपाउंड के अंदर वो हमारा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में या डेफिनेट बोल सकते हैं कि आप वो डेफिनेट ही रहेगा। एंड विच कैन बी डिकम्पोज इंटू इट्स कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो कंपाउंड है आप उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। किसमें डिकम्पोज करेंगे आप उसको, जिन कॉन्स्टेंट एलिमेंट से वो मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वॉटर है, वॉटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। दैट मीन्स वॉटर को हम ब्रेक कर सकते हैं इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फर्दर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। एक यहाँ पर स्पेशल बात ये ध्यान देने लायक है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है जब वो बन जाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की वो हमारी टोटली डिफरेंट होती हैं। किससे डिफरेंट होती हैं, जिन कॉन्स्टेंट पार्टिकल से वो मिलके बना है। वही आप वाटर का ही एग्जांपल लीजिए, वाटर किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इंडिविजुअली देन दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल यू कैन रिकॉग्नाइज दैट कि जो आपका यहाँ पर वॉटर मॉलिक्यूल है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी, किससे, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। दैट्स वाई ये लाइन लिखी गई है यहाँ पर। जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी कंपाउंड की दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टेंट पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिन पार्टिकल से मिलकर वो कंपाउंड आपका बना है या जिससे वो सिंथेसाइज हुआ है। एग्जाम्पल फॉर वॉटर इज अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन अ फिक्स प्रपोर्शन। यहाँ पर हमने लिखा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशो में कंबाइन होता है। अब आप ये देखिए ये रेशो 1:8 क्यों लिखा गया है, इसका भी एक रीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए इसको थोड़ा सा, आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। आपका जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वॉटर मॉलिक्यूल के अंदर 1:8 के रेशो में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स ये जो रेशो लिखा गया है ये रेशो आपका बाय वेट है। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम सब जानते हैं 1 होता है और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी हमारा क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 है और जो एटॉमिक मास है वो हमारा कितना होता है, 16 होता है। तो व्हेनेवर वी राइट इट्स एटॉमिक वेट देयर आर टू वाटर मॉलिक्यूल, दो आपके हाइड्रोजन एटम है, सॉरी यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है तो आप इसको 2 लिखोगे, 2:2। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 1, और 1 ऑक्सीजन एटम का जो यहाँ पर होगा वेट होगा वो कितना होगा, 16। दैट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन राइट इट एज 1:8। हम ये बोल सकते हैं H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो होगा हमारा 1:8। तो यही चीज इसमें बताई गई है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में आपका सिंपली दो एलिमेंट्स होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट या बाय मास।
आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो जो मिक्सचर होता है हमारा, बेसिकली उसमें क्या होगा, आपका दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे और जो मिक्स कर सकते हो आप किसी भी प्रोपोर्शन में। किसी भी प्रोपोर्शन का मतलब आप उसको किसी भी रेशियो में एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को मिक्स कर सकते हो और उसको आप, मतलब आप ये बोलोगे जो आपको रिजल्टिंग मटेरियल मिलेगा वो आपका क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, कोई भी मटेरियल जिसमें आपके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं और वो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होंगे आप उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब आपको ये समझना है जो मिक्सचर्स होते हैं, जो मिक्सचर थे उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, क्या उसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज थी क्या वो उसमें एग्जिस्ट करेंगी। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं। जो आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे जिनकी वजह से आपका वो मिक्सचर तैयार हुआ है उन सब की प्रॉपर्टीज भी उसमें पाई जाएंगी। या आप ये कह लीजिए जो मिक्सचर्स होते हैं आप उनको बाय फिजिकल मेथड भी आप उसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो एक दूसरे से। मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं आप उनको अलग कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। अब हमने ये थोड़ा सीख लिया था पीछे कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे होमोजीनियस भी हो सकते हैं और वो हमारे हेटरोजीनियस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारा जो मिक्सचर है उसकी दो कैटेगरीज आगे डिवाइड की गई है, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। तो बट आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच कम्पोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर। आप ये बोलेंगे जिसमें हमारी जो कंपोजिशन है वो एकदम सेम रहती है पूरे ही सॉल्यूशन के अंदर या पूरे मिक्सचर के अंदर, आप उसको होमोजीनियस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि जैसे हमारे पास साल्ट है और साल्ट को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं देन वी गेट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, तो इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर, आप उसको होमोजीनियस बोल सकते हैं। एयर इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, तो ये सब गैसेस क्या करती हैं एक फिक्स रेशो में यहाँ पे कंबाइन होती हैं नेचर के अंदर, हमारे एटमोसफियर के अंदर, आप उसको भी होमोजीनियस की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटरोजीनियस। तो हेटरोजीनियस क्या होता है, हेटरोजीनियस में आप ये बोलते हैं These are those mixtures whose composition is not same throughout the matter या throughout the material। अब heterogeneous की category में आप किसको रखेंगे? For example, आप अपनी daily life से example उठाइए, milk होता है, तो milk के अंदर क्या होता है, हमारा fat भी present होता है, but देखिए हम जब उसको देखते हैं तो वो देखने में हमें कैसा लगता है कि वो homogeneous है, but it cannot be categorized into homogeneous, cannot be categorized into homogeneous because क्योंकि उसके अंदर आप ये बोलेंगे जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसको होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। देखने में आप उसको बोलेंगे कि वो होमोजीनियस है बट वो हेटरोजीनियस की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह आप इसमें एक कॉमन सा एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि जो फैट होता है अगर आप उसको किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो वो आपको उसके ऊपर फ्लोट करता है, दैट मीन्स इस जो इसकी कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, तो आप उसको हेटरोजीनियस की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करेंगे एटम और मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन के बारे में। तो जो एटम होता है वो क्या होता है, एटम हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट होती है हम ये बोल सकते हैं वो सब वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, एटम से मिलकर बनी होती हैं। या आप ये बोल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, एटम होती है। एटम की आप डेफिनेशन कैसे देंगे, आप बोलेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एटम, आप उसको एटम बोलेंगे। और जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल का क्या लिखेंगे आप, कि जो मॉलिक्यूल होता है वो आपका एटम से कंबाइन होके ही आपको उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो मॉलिक्यूल है उसकी डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ एटम्स व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर देन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब आप ये देखिए जो एटम होता है, एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती, मीन्स जो एटम होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ऑन द अदर हैंड अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया है, आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वन इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आपने देखा होगा H2O2O3, ये जो सब एग्जांपल्स हैं ये आपके इस कैटेगरी में रखे जाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि आप ये देखिए इसमें हमने सिर्फ एक एलिमेंट की बात की है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस होती है
होती है, आप उसको H2 बोलते हैं। तो जो H2 है उसमें आप ये देखिए, आपके दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो उस मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है, H2 मॉलिक्यूल की हुई है। O2 की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ और उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की है, O2 मॉलिक्यूल की। इसी तरह आपका O3 है, O3 में आपके तीन ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ, तब उन्होंने O3 की फॉर्मेशन की है जिसको आप ओजोन बोलते हो। तो आपको ये इसका जो सेकंड नेम है आप ये भी ले सकते हो कि इसको होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जिनका न्यूक्लियस क्या रहता है, सेम रहता है या एक ही न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोलोगे, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, आप इनको क्या बोलेंगे, आप इनको हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके डिफरेंट होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। देखिए एग्जांपल है यहाँ पे जैसे H2 का, इसमें क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है, तब उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट है आपका HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको आप बोलते हैं। अब आप इसमें ये देखिए, हाइड्रोजन एक अलग एटम है और जो क्लोरीन है वो एक अलग एलिमेंट का एटम है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, तब उन्होंने क्या किया है, HCl की फॉर्मेशन की है। तो आप इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये H2O है, तो H2O के अंदर क्या होता है, हमारा दो हाइड्रोजन होते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। हम ये बोल सकते हैं ये दो एग्जांपल हेटरोन्यूक्लियर कैटेगरी में आएंगे, और जो हमारा H2 है, O2 है और O3 है, वो हमारे होमोन्यूक्लियर की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उसको होमोन्यूक्लियर बोलते हैं, और इसमें वो डिफरेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेटरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स उनको बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए MJ केमिस्ट्री, और आपकी आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, धीरे धीरे हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।